से बात करने का मौका मिल रहा है ना ज़ैनब? हाँ ज़हरा, आज तो टीचर ने बहुत ही ज्यादा लिखा दिया। वो सब छोड़ो, आज तुमने आमिना को देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ आमिना को? तुमने देखा नहीं शायद, आज आमिना व्हाइट कलर का स्कार्फ पहन के आई है। वो इतनी गंदी लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। वो ऐसे पहन के आई है जैसे वो बहुत गोरी है। ओ हाँ, इसलिए तो वो पूरी क्लास में दिख कर आ रही थी। अच्छा अच्छा, तुमने फरहीन को देखा क्या? लगता है फरहीन को आईना लग गई। इतनी बुरी लग रही थी ना, क्या बताऊं। पहले तो इतनी पतली आईना और इतनी मोटी नाक, कैसे टिकेगी आईना? वो सब छोड़ो ना टीचर, वो जब पढ़ाती है ना ऐसा लगता है कि उनके मुंह में लड्डू है। हाँ, चबी चबी चीज जो है उनके। हाँ सही है, उसको छोड़ो, आज तो बहुत मजा आ गया। चलो अब लंच का टाइम भी हो रहा है, हम लंच के बाद मिलते हैं। जहरा, जहरा, आप लोगों को नाही टीचर बुला रहे हैं। नाही टीचर? मैं आई कम इन टीचर? यस। अस्सलाम वालेकुम टीचर। आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ जहरा ज़ैनब, मैंने आप दोनों को बुलाया है। ये लो आप दोनों का गिफ्ट। गिफ्ट किस लिए मैम? अरे आप दोनों ने तो अपनी नेकियां मुझे दिए, तो फिर मुझे भी गिफ्ट देना बनता है ना, क्योंकि आपकी तमाम नेकियां मेरे पास ट्रांसफर हो गई है। नेकियां ट्रांसफर? मैं कुछ समझी नहीं मैम। हमने आपको कभी अपनी नेकियां दी है? थोड़ी देर पहले तो आप दोनों ने मेरी पीठ पीछे बुराई की थी ना, तो आप लोगों की तमाम नेकियां मुझे ट्रांसफर हो गई है, उसी के बदले ये गिफ्ट है। क्या किसी की हिम्मत करने से या पीठ पीछे बुराई करने से नेकियां ट्रांसफर होती है? हाँ, ये कैसे मैम? तो देखा आप सबने प्यारे बच्चों, हिम्मत का कितना बड़ा नुकसान है। जब आप किसी की बैकबाइटिंग करते हैं, किसी के बारे में आप जाके किसी और को बताते हैं, तो आप अपनी नेकियां उनको दे रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की बैकबाइटिंग नहीं करनी चाहिए। और फरमाया, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी, और अल्लाह ताला से डरते रहो। तो गीबत करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे मुर्दे भाई का गोश्त खाना। क्या आपको पसंद है? क्या आप खाना चाहोगे मुर्दे भाई का गोश्त? हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, इंसान का गोश्त, वो भी अपना भाई जो मर गया है, हम तो बिल्कुल ना पसंद करेंगे। उसी तरह बैक बाइटिंग को भी आप लोग ना पसंद करें। आज से किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर किसी में आपने कोई बुराई देखी है, तो आप जाके किसी और को नहीं बताएंगे। अगर रियली आप उसका इंसान के लिए केयर करते हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बात करें और कहें कि देखिए आप में ना ये बैड हैबिट्स है, आप इसको ठीक कर लें। उनकी बैड हैबिट्स जाके किसी और को बताना बहुत बड़ा गुनाह है। ये ऐसे है जैसे मुर्दे भाई का गोश्त खाना। तो आज से नो बैक बाइटिंग, और अगर कोई बैक बाइटिंग कर भी रहा है, तो हमें उसको चुप करवाना है, हमें मना करना है, कहना है कि ना किसी की बैक बाइटिंग नहीं करें। और एक मज़े की बात हम ये कर सकते हैं, अगर कोई आकर हमें किसी और के बैड चीज़ें बताते हैं ना, बैड मैनर्स या हैबिट्स, तो हमें पता है क्या करना चाहिए, हमें और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और उनको डिफेंड करना चाहिए। समझ आ गई बात आपको? यानी आपके फ्रेंड आके दूसरी फ्रेंड के बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं, तो आपने कहना नहीं नहीं वो तो इस तरह नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी है, उसमें और भी तो अच्छी क्वालिटीज़ है, नहीं उसका कोई प्रॉब्लम था होगा, इस तरह आप उसको डिफेंड करेंगे। तो पता है इस तरह करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से वो आपके सामने आके किसी की बुराई करेंगे ही नहीं। उन्हें पता चल जाएगा कि हम किसी के बारे में भी इनसे बुराई करते हैं, ये तो और उनकी तारीफ करते हैं, इस तरह वो आपके सामने कभी बैक बाइटिंग करेंगे ही नहीं। है ना मज़े की बात? तो आज से ना हमने किसी की बैक बाइटिंग करनी है गीबत, ना ही अगर कोई गीबत कर रहे हैं तो बैठ के उनकी बैक बाइटिंग हमने सुननी है।
अल्लाह ताला आप सबको बेस्ट मोमिन बना दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।